नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर भी, जहां शराबबंदी को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं पर भी वार किया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है और इन दिनों शराबबंदी को लेकर विपक्षी बघेल सरकार की घेराबंदी करने में जुटा है, जिस पर अब बघेल सरकार ने मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है और बीजेपी के सारों आरोपों को निराधार बताया है। मंत्री अकबर ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही थी लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं कही थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने हाथ में गंगा जल लेकर ये कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जिसका वीडियो भी मोहम्मद अकबर के ने जारी किया है। के नशा में प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आम जनों को जागृत करके और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है तो नीचे से ऊपर तक सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफी कर दिया। अब कोई तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ शराबबंदी, दूसरी तरफ धान को लेकर खूब सियासत तो देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच बयानों का दौर चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने दम पर धान की खरीद करती है, जहां पिछले 4 सालों में भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किया है। उन्होंने बताया कि 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ फैसले को लेकर बीजेपी बौखला गई है और जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, धान के मामले में भारतीय जनता पार्टी अब चिंदी चोरी की कार्रवाई, प्रधानमंत्री से लेकर उनके स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी वाला बयानबाजी कर रहे हैं। सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पे करती है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी पे भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्च किया है, तो ये हमारी उपलब्धि है। 107 लाख मीट्रिक टन देश में अकेली भूपेश सरकार खरीद रही है। देश में किसानों को 2640 रुपए धान की कीमत भूपेश सरकार। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूसीसी को लेकर घमासान देखने को मिला है, जहां पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। तो यूसीसी को लेकर देश में सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है, जहां बीजेपी यूसीसी की वकालत कर रही है, वहीं विरोधी खामियां का बताने में का काम यूसीसी को लेकर कर रहे हैं। इस बीच गोडबाना गणतंत्र पार्टी ने बिलासपुर के कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर यूसीसी लागू न करने की मांग की है। ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि भारत विविधताओं का देश है, ऐसे में अलग अलग धर्म पंथ मजहब के लोग एक ही व्यवस्था में कैसे रहेंगे, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। जहां भारत की सुंदरता अनेकता में एकता से है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये खतरे में पड़ सकती है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां मंत्री अनिल विज अंबाला दौरे पर पहुंचे। तो हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे। उन्होंने अंबाला, छावनी, सदर बाजार, हाउसिंग बोर्ड समेत कई जगहों पर जल भराव के हालातों का जायजा लिया, साथ ही महेश नगर पंप हाउस का भी मुआयना किया, जहाँ पानी पंप करने वाली मोटरों को चलवाया गया। वहीं जल भराव वाले इलाकों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कैंट एसडीएम और बाकी अधिकारियों और पानी निकासी करने के साथ साथ भोजन और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश सभी को दिए हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पिहोवा की, जहां लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो हरियाणा में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इस्लामाबाद के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जानैसी गांव के पास मारकंडे का बांध टूटने से नैसी और डबरा में मौजूद लोगों के डेरों में पानी घुस गया है
और लगातार बारिश के कारण जलस्तर करीब 6 फुट पहुंच गया था, जिससे डेरों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मैसी और टबरा के कुछ डेरों में कई बुजुर्ग और बच्चे फंस गए थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां जिला आबकारी आयुक्त एक शादी समारोह में पहुंचे। तो यमुनानगर में जिला आबकारी आयुक्त एक शादी समारोह में पहुंची। इस दौरान उन्होंने रिजॉर्ट के बाहर खड़े होकर शराब पिलाए जाने को लेकर परमिशन दिखाने को कहा, जहां रिजॉर्ट मालिक ने जरूरी दस्तावेज DTIC को दिखाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद रिजॉर्ट मालिक पर नियम तोड़ने का आरोप लगाकर धमकाती दिखाई दी। देखते ही देखते मौके पर पुलिस बल को भी बुलाया गया, लेकिन DTIC ड्राइवर के साथ मौके पर चली गई। जब फोन करने पर जब दोबारा DTIC की मौके पर पहुंची तो पुलिस ने DTIC से पूछा कि शराब पिलाने की परमिशन रिजॉर्ट मालिक दिखा रहा है, इसके अलावा नियमानुसार सालाना सैलरी सरकारी शुल्क भी रिजॉर्ट मालिक ने जमा करवाया हुआ है, ऐसे में उसने किसी कानून का उल्लंघन किया नहीं है। इतने में DTIC भड़क गई, जहाँ वहीं रिजॉर्ट मालिक ने DTIC पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया है और आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक के आरोप लगाने पर DTIC आवेश में आ गई और उन्होंने रिजॉर्ट मालिक का गिरेबान पकड़ लिया, साथ ही उनका कीमती मोबाइल फोन भी छीनकर सड़क पर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया और फिर वो मौके से चली गई, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस, जो सरकारी फीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है, आज की शादी के 5,000 रुपये की फीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चलान दिखा दिए, वो हमारी फाइल ले के जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी। तो ब्रिटेन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां निर्माणाधीन इमारत गिरने का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के मंगला स्थित एक बिल्डिंग अचानक धराशायी हो गई। आरोप है कि भवन के पास नाला निर्माण के एक मनमाने ढंग से खुदाई की जा रही थी, जिसका नुकसान मकान मालिक और दो दुकानदारों को उठाना पड़ा है। वहीं नगर निगम ने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है, जहां घटना के दूसरे दिन BJP के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर पहुंचे और व्यापारी विशाल गुप्ता से मुलाकात की है। इस दौरान अरुण साव ने नगर निगम में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही है, इसके बावजूद भी दोषारोपण व्यापारी पर ही किया जा रहा है, जहां BJP नेताओं ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। मकान गिरा है, निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। नगर निगम आयुक्त से मैंने बात की है, ये पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है और लापरवाही है। एक सही सलामत मकान नगर निगम की लापरवाही से इस प्रकार से धराशायी हुआ है। इसका कोई दोषी है तो वो नगर निगम बिलासपुर है। एक तरफ नगर निगम की गलती से ये मकान गिरा है, ऊपर से मकान मालिकों के ऊपर ही दोषारोपण। ये जो मामला है ये शनिवार की घटना है। सुबह 6:30 बजे बिल्डिंग जो है अचानक से गिर गई और गिरने के बाद फिर दुकान जो है टूट गया। इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और एक 5 उप समिति का भी गठन है, जिसमें दोनों दुकानदार हैं, वार्ड पार्षद हैं और व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी है, और उनके सामने आज ये काम हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में जांच किया जाएगा और जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो या ठेके। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां कांवड़ियों की खूब धूम देखने को मिल रही है। तो सावन के महीने में कांवड़िये भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और गरियाबंद में दुनिया के विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग स्वयंभू में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है, जहाँ 72 फीट ऊंचा और 230 फीट गोलाई की में हुए ये दुनिया का विशालतम प्राथमिक शिवलिंग 1900
1959 में प्रकाशित कल्याण पुस्तिका में दी गई इसका उल्लेख किया जाता है। बता दें कि यहाँ ऐसी मान्यता है कि सावन में इस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि साल दर साल यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दूर दूर से भक्त अपने क्षेत्र की नदियों का जल लाकर यहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं आसपास के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शिवलिंग पर आस्था रखते हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जासीमती के लोगों के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि पर जब पाठ किया जाता है तो शिवलिंग आधा इंच बढ़ जाता है और इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि प्रथम सोमवार को हमें महादेव जी के दर्शन प्राप्त हुए और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे गरियाबंद जिले में स्थित है। आज पूरे सभी जगहों के लोग श्रद्धालु लोग गरियाबंद आते हैं और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे अपना घर परिवार के सारे लोग का आगमन गरियाबंद हो रहा है। कल संडे के दिन था, पूरे परिवार के सभी लोग का फोन ही फोन आ रहा था कि आप गरियाबंद में उपस्थित है कि नहीं है, है कि नहीं है। आया हूँ मैं, ये भुवनेश्वरनाथ महादेव के बारे में सुना हुआ था। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुए कि आज हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे सुबह से भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों के श्रद्धालुओं को देखते हुए लंबी लाइन लगी हुई है, जो श्रद्धालुओं बिना धक्का मुक्की के एकदम लाइन से भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले नहीं, मैं नाम सुनते हम लोग सौभाग्य झारखंड से आकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए सुबह सोमवार के पहला सोमवारी हम लोग जैसे आज सुबह आया हूँ। तो बेटन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहाँ कांवड़ियों के साथ हादसा हुआ है। बता दें कि कांवड़ियों के डीजे में करंट उतर आया, इस हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। तो फरीदाबाद के भतौली गाँव में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों के डीजे में करंट उतरने से 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। इस हादसे में डीजे संचालक समेत 3 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और दोनों घायलों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बता दें कि साथ ही इस मामले की जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है। ये कल रात को 8:30 बजे बतौला गांव से हमें से सूचना मिली कि कावड़ लेने वाले व्यक्तिगण जो नए लड़के जो गांव की परिक्रमा डीजे लेकर दे रहे थे, तो उनमें कुछ तमाशगीर बच्चे थे जो डीजे को सुनने के लिए डीजे के पीछे पीछे थे, वो कुछ महिलाएं भी थीं, उनको करंट लग गया है। बिजली की ऊपर की तार डीजे के ऊपर से लाइन जा रही थी, डीजे उसके नीचे से था, तो डीजे का जो कारिंदा है वो डीजे के ऊपर बैठा हुआ था, वो लकड़ी से ऊपर तार को करने लगा, वो तार सिर में जाके टिक गई उसके, जिससे उस पूरे कैंटर में। तो बेटे में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे में एक कांवड़ी की मौत का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद में एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहाँ KGP एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और एक कांवड़ियों को घसीटता हुआ करीब 1 किलोमीटर तक ले गया, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया है। इस हादसे में एक कांवड़िये की मौत हुई है, तो वहीं 6 कांवड़िये घायल बताए जा रहे हैं, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे, टाइम लगभग 1 से 1.5 का था, हाँ जी, तो बारिश के फुहारे आ रही थी हल्के लिए, KMP कुंडली मानेसर मौजपुर के करीब हमने गाड़ी को रोका था। वहाँ पर 7 बंदे थे जो गाड़ी के नीचे थे और गाड़ी के बराबर में खड़े हुए थे, उसके बाद में जो और बंदे वो ऊपर थे। एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई, लगभग उसकी स्पीड 140 की होगी। आपका नाम क्या है? मेरा रंजीत सिंह है। क्या हुआ है, कौन से घायल हुए हैं? सिलेंदर लड़का है, बेसिकली कि कांवड़ के लड़के निकले हुए थे, 27 लड़के थे, और कुछ हलवाई वगैरह डीजे वाले लड़के और ट्रक ड्राइवर हो गया, टोटल थे 37। हाँ जी, अभी रास्ते में जैसे इंड्री नूमेवा से चले हैं और KGP हाईवे पर गाड़ी रोकी, 22 आगे थी जो त्रिपाल को ढकते हैं, इसलिए कि भाई त्रिपाल को ढक लेते हैं, तो वो ढकते हुए जब तक वो ढक रहे थे तो उस टाइम पे एक ट्रक आया पीछे से, पता नहीं ड्राइवर सो गया कि क्या हुआ, तो उसको पता है करीबन 120 की स्पीड से ऊपर ही होगा, तो वो सबको रोनता हुआ और मतलब कि और
जो इनका ट्रक था उस सर एजेंट हुआ काम नहीं, तो क्या है पूरा मामला? मामले है जी, रात को मैं गश्त में था, सूचना मिली थी रात को करीब 1:45 बजे से, भाई KGP हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहाँ पर कावड़ियों की गाड़ी थी जिसमें करीब 35 बंदे थे। तो उसमें थे रात को बारिश आ गई थी, वो तिरपाल को टाइट कर रहे थे, रस्सी बांध रहे थे। रस्सी बांधते समय पीछे से एक गाड़ी आई और साइड में रस्सी बांधते हुए 6-7 लड़के थे, खड़े थे, उसमें सीधी टक्कर मार दी। तो आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।